क्या आप सपने देखते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, मगर कुछ लोगों के मुताबिक उनको सपने नहीं आते, लेकिन यह असत्य है। शास्त्रों में प्रश्नोपनिषद के 5वें श्लोक में यह स्पष्ट है कि हर व्यक्ति सपना देखता है। कुछ पत्रकारों के शोध के अनुसार पशु भी सपना देखते हैं। ऐसे में यदि आपसे कोई ये कह रहा है कि उसे सपने नहीं आते, तो या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या उसे सपने याद नहीं रहते। अब ये तो तय हो गया कि सपने सभी को आते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय और भी है, सपने और समय। आपको सपने कब आते हैं? क्योंकि अलग अलग समय पर देखे गए सपनों का फल अलग अलग समय के अंतराल पर मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि सपनों का समय के साथ क्या महत्व है। अक्सर लोग 12 बजे से पूर्व ही सो जाते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले का स्वप्न मन की विकृति होने के कारण अर्थहीन होता है। हम यह नहीं कह रहे कि 12 बजे से पहले मत सोइए, बस यह बता रहे हैं कि 12 बजे से पूर्व के सपनों का कोई फल नहीं मिलता। 12 से 1 बजे के बीच देखे गए सपनों का फल 3 वर्ष में मिलता है, वहीं 1 से 2 बजे के बीच देखे गए सपनों का फल 1 वर्ष के बीच प्राप्त हो जाता है। अगर आपने सपना 2 से 3 बजे के बीच देखा है, तो आपको उसका फल 8 महीने में मिल जाएगा। 3 से 4 बजे के बीच देखे गए सपनों का फल 6 माह में मिलता है। अगर बात करें 4 बजे से 5 बजे के बीच की, तो इसके बीच देखे गए सपनों का फल 3 माह में मिल जाता है। वहीं 5 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, इस बीच देखे गए सपनों का फल 1 महीने में ही प्राप्त हो जाता है। प्रातः आंख खुलने से तुरंत पूर्व के सपनों को दृश्यांत कहा जाता है। ऐसे सपने भाग्यशाली व्यक्तियों को ही आते हैं, जिनका मन स्वस्थ और स्थिर होता है। प्रातःकालीन स्वप्न सीधे रूप से भविष्यवाणी या भावी दर्शन का रूप होता है। कुछ व्यक्ति दिन में भी सपने देखते हैं। इस दौरान आए सपनों को भी विकृत मन का दृश्य कहा जाता है, जिसका हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपने सपना सूर्यास्त के समय देखा है, तो उसका फल आपको 10 दिन में प्राप्त हो सकता है। यदि आपने एक रात्रि में शुभ और अशुभ दोनों सपने देखे हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको सिर्फ शुभ सपने का फल ही मिलेगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।